स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। संविदा कर्मचारी अब रैली निकालेंगे। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संविदा रैली निकालकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश है। संवाद स्थापित करने 26 जुलाई से रैली निकाली जाएगी। संवाद रैली इसे नाम दिया गया है। संविदा कर्मचारी अब संवाद रैली निकालेंगे और सरकार को ध्यान दिलाएंगे अपनी वादों की। संवाद स्थापित करने 26 जुलाई से रैली निकाली जाएगी। तूता से मंत्रालय तक रैली निकाली जाएगी। 3 जुलाई से आंदोलन पर हैं संविदा कर्मचारी। 3 जुलाई से प्रदेश के संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। लगातार हमारे आंदोलनकारी साथी अनशन पर भी बैठे हुए, जिनसे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। सरकार द्वारा अभी तक किसी प्रकार के संवाद की कोई पहल नहीं की गई है और इस संवादहीनता के कारण एक गतिरोध बना हुआ है। हम ये चाहते हैं कि सरकार संवाद करे और हड़ताल के संबंध में जो हमारा नियमितीकरण का मांग है उसको पूरा करे, और इसी को ध्यान में रखते हुए 26 जुलाई को पूरे प्रदेश के संविदा कर्मचारी एक बार पुनः रायपुर धरना स्थल तूता पर एकत्रित होंगे और संवाद रैली के माध्यम से सरकार को आगाह करेंगे कि अभी भी समय है, संवाद करें और इस आंदोलन के दौरान जो संविदा कर्मचारी हैं उनको जो नियमितीकरण का वादा किया गया था उसको वो पूरा करें। वहीं संविदा कर्मचारियों को सरकार ने अल्टीमेटम दिया है। नौकरी पर लौटने के लिए अल्टीमेटम दिया गया है। काम पर नहीं लौटने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। एस्मा और सिविल सेवा नियम के तहत कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया गया सरकार की तरफ से संविदा कर्मचारियों को। सरकार ने तत्काल नौकरी ज्वाइन करने के निर्देश दिए। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। युगल, एक तरफ चुनावी साल है, दूसरी तरफ हड़ताली मौसम है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। संविदा कर्मचारी संवाद रैली निकालने वाले हैं लेकिन सरकार भी सख्त अल्टीमेटम दे दिया है कर्मचारियों को। देखिए सुमित, 3 जुलाई से लगातार प्रदेश भर के 45,000 से अधिक संविदा कर्मचारी हैं, वो आंदोलन पर हैं और कल ये जो है संवाद रैली निकालेंगे। तूता रायपुर से निकाल करके मंत्रालय तक जाएंगे। इस बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है जिसके तहत ये कहा गया है कि 3 दिनों के भीतर अपने अपने विभाग हैं वहाँ पर ये उपस्थिति की सूचना दें, क्योंकि लगभग 22 दिन का वक्त हो चुका है और लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। ऐसे में विभाग के जो कामकाज हैं वो काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। कई विभाग के ऐसे कर्मचारी हैं जो एसेंशियल सेवाओं पर आते हैं, अति आवश्यक सेवाओं पर भी काम करते हैं। जिन संविदा कर्मचारियों में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं, तो ऐसे में जो कामकाज है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कर्मचारी आंदोलन पर है, अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर के ये डटे हुए हैं। हालांकि अभी जो बजट जो सत्र था विधानसभा का, उसमें इन्हें बड़ी राहत भी दी गई है। 27% जो वेतन है वो बढ़ाया गया है, लेकिन जो कर्मचारी आंदोलन पर हैं उसे नाकाफी मान रहे हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी और जो आंदोलनकारी हैं और सरकार के बीच है किसी तरह के संवाद नहीं हो रहा है, ऐसे ये आरोप कर्मचारी लगा रहे हैं। अगर 3 दिनों के भीतर ये कर्मचारी लौटते नहीं है तो सिविल सेवा आचरण संहिता 2012 और एस्मा के तहत जो कार्रवाई है वो कठोर कार्रवाई करने को सभी कलेक्टर को, सभी विभाग अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है। विभाग अध्यक्ष हैं वो रिपोर्ट सौंपेंगे सरकार को कि कौन कर्मचारी आंदोलन से वापस आया है, और अगर वापस नहीं लौटा है तो अब कार्रवाई करने का मन राज्य सरकार ने बना लिया है। देखना यह होगा कि इस चेतावनी का कितना असर आंदोलनकारियों पर होता है, क्या वो काम पर लौटते हैं या फिर धरना है, वो बदस्तूर जारी रहेगा। जी सुमित, ठीक है अगल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री निवास में हाई लेवल मीटिंग हुई रायपुर में। बैठक में सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहे, कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल रहे। प्रभारी कुमारी शैलजा, विधानसभा अध्यक्ष शरणदास महंत, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, मंत्री रविंद्र चौबे इस मीटिंग में मौजूद थे। ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर भी। चुनाव समितियों के गठन पर चर्चा हुई है। निगम मंडल आयोग में नई नियुक्तियों पर भी मंथन हुआ है।
वहीं सीएम हाउस में लगी है निगम मंडल अध्यक्षों की भीड़। 20 से अधिक निगम मंडल पदाधिकारियों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। सीएम से मिलने पहुंचे निगम मंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य आज ही सीएम हाउस में वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई है। तो मुख्यमंत्री निवास में निगम मंडल अध्यक्षों की भीड़ लगी। 20 से अधिक निगम मंडल पदाधिकारियों का कार्यकाल खत्म हुआ है। सीएम से मिलने के लिए निगम मंडलों के अध्यक्ष पहुंचे थे, उपाध्यक्ष और सदस्य भी पहुंचे थे और आज ही सीएम हाउस में वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर देते हैं। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, आज ही सीएम हाउस में वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई और जो निगम मंडल के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष सदस्य हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं मुलाकात की होगी सीएम से। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो तो बैठक में मौजूद हैं ही। कुमारी शैलजा हैं, कांग्रेस के प्रदेश, कांग्रेस की जो प्रदेश प्रभारी हैं, और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज मौजूद हैं, और निगम मंडल के जो अध्यक्ष हैं वो भी, जिनके कार्यकाल पूरे हो गए हैं वो भी पहुंचे हुए थे। और आज सीएम हाउस के भीतर लगातार मुलाकात जारी है। शाम को बैठक खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से दोबारा जो है वो अनौपचारिक चर्चा के लिए बैठे हुए हैं, और जिन लोगों के कार्यकाल पूरे हो गए वो अचानक से शाम को पहुंचे, तो इस बात को लेकर जो है एक आशंका भी बढ़ गई है कि जिनके कार्यकाल पूरे हो गए हैं क्या उनके कार्यकाल बढ़ाए जाएंगे या नहीं बढ़ाए जाएंगे, या फिर नए चेहरों को जो है वो मौका दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उम्मीद लगाए हुए बैठे थे कि उन्हें मौका मिलेगा, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला। अब चुनाव बहुत सामने है और जाहिर तौर पर कुछ नहीं तो कुछ तो सही इस स्ट्रेटेजी पर भी जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो चलना चाहती है, और यही वजह है कि कई लोगों को का जो कार्यकाल है वो नहीं बढ़ाया जाएगा। 3 साल जिनका हो गया है उनमें से कई लोगों का नहीं बढ़ाया जाएगा और कुछ लोगों का जो है वो बढ़ाया जा सकता है। कुछ का कहना है कि उन्हें पहले से एक्सटेंशन मिल चुका है, तो अब इस बैठक में सबसे ज़्यादा नज़र है और दावेदारों की भी नज़र है। जो लोग ये उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि आने वाले समय में जो है अगला आदेश अगर निकलता है तो वो उनके लिए निकलेगा, उन्हें मौका मिल सकता है, तो ये बैठक अभी तक के जारी है और लगातार जो है वो मंथन चल रहा है। इसमें दरअसल क्या है, इस स्ट्रेटेजी भी सोचने की भी ज़रूरत है, क्योंकि चुनाव सामने हैं तो ऐसे में नाराज़गी किसी को ना हो और दोनों तरह से साधा जा सके। जिनसे जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है उन्हें उनका न बढ़ाया जाए तो भी वो नाराज़ ना हो। बिल्कुल, जिनका कार्यकाल खत्म हुआ है वो इस उम्मीद से पहुंचे हैं कि कार्यकाल बढ़ाया जाए। बहुत धन्यवाद आपका ममता जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में मणिपुर हिंसा के मसले पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान पर सियासत गर्मा गई। विपक्ष ने उनके बयान पर निशाना साधा। इस मामले को लेकर संसद में गतिरोध जारी है। पीयूष गोयल के बयान पर छत्तीसगढ़ में बयानबाजी तेज हो गई। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मणिपुर के साथ ही छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर चर्चा होनी चाहिए, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने एक दूसरे पर वार पलटवार शुरू कर दिए। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि मणिपुर के मामले पर 83 दिनों से कौन मौन है, केंद्र और राज्य में किसकी सरकार है। उन्होंने कहा कि इंडिया से पीएम मोदी बौखला गए हैं। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में अशांति फैलाने के लिए षड्यंत्र कर रही है, छत्तीसगढ़ की शांति पर प्रहार करने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अशांति फैलाने का षड्यंत्र रच रही है। पहले प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर से छत्तीसगढ़ की तुलना की, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने छत्तीसगढ़ की तुलना मणिपुर से की, अब भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने मणिपुर के बाद छत्तीसगढ़ का नंबर ऐसा सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। यह इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अशांति फैलाने के लिए कुछ न कुछ षड्यंत्र रच रही है। अब ऐसे अशांत प्रदेश से
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा छत्तीसगढ़ की तुलना किया जाना बेहद ही आपत्तिजनक है। क्या ये तीनों राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी महिला उत्पीड़न के मामले में इंडियन ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड के हिसाब से काफ़ी ऐसे स्टेट हैं, बड़ा एक प्रकार से जिसको कह सकते हैं कि बहुत यहाँ पर जटिल स्थिति है टैरिफिक के और टेरिबल स्टेट के रूप में। तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा में जब बातचीत हो तो समग्र रूप से होना चाहिए, उन राज्यों को भी कवर करना चाहिए जहाँ पर महिला उत्पीड़न के मामले को लेकर एक रिकॉर्ड में आया है और भी जो घटनाएं होती है उसकी पुनरावृत्ति ना हो। निश्चित रूप से जो देश में पूर्वांचल के मणिपुर में घटनाएं हुई है वो हम सबके लिए बहुत दुखद है, शर्मनाक है और उसके कड़े शब्दों में हर किसी के द्वारा निंदा की जा रही है। अगस्त के पहले पखवाड़े में पीएम मोदी छत्तीसगढ़ का दौरा कर सकते हैं। पीएम मोदी रायगढ़ और नगरनार जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के लगातार दौरे से सियासत तेज है। पीएम मोदी के संभावित दौरे को लेकर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि उन्हें मालूम हो चुका है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी, बीजेपी को प्रदेश में कोई सफलता नहीं मिलेगी। विधानसभा के चुनाव हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी की भूपेश बघेल जी की सरकार जनहित के मुद्दों पर काम कर रही है और जैसे कि चुनाव की तैयारी को लेकर लगातार बैठकें चल रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा जी यहां लगातार रेगुलर रूटीन में उनका टूर बन रहा है, अलग अलग जिलों में जा रही है, अलग अलग संभागीय कार्यक्रम हो गए और जोन सेक्टर के लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी है। अब आने वाले दिनों में कैसे चुनाव को लेकर जो कांग्रेस की योजनाएं जो जनहित में की गई इन 4.5 साल में जो कार्य किए गए जिससे प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक घर को फायदा पहुंचाने का काम किया गया उसको लेकर रणनीति। रायपुर और दुर्ग संभाग के ट्राइबल विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक करने के बाद मोहन मरकाम एक दिवसीय दौरे पर अंबिकापुर पहुंचे। सरगुजा संभाग के ट्राइबल विभाग के अधिकारियों की संभागीय बैठक में उन्होंने आदिवासियों के हितों में हो रहे कामों की समीक्षा की। उनकी माने तो प्रदेश में 85% आबादी SC और ST और OBC वर्ग की है जिनके हितों में सरकार काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले जितने भी अधूरे काम हैं उन्हें समय के भीतर पूरा करने की कोशिश भी की जा रही है। लगभग 85% जनसंख्या है, इन वर्गों के शैक्षणिक सामाजिक विकास के लिए हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार। रायपुर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया। विधायक विकास उपाध्याय के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शहर की समस्याओं और कानून व्यवस्था को लेकर घेराव किया। कोरबा से बड़ी खबर है, 20 से अधिक बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। 20 से अधिक स्कूली बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, करील की सब्जी खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। करतला ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल बीर तराई का मामला है, अस्पताल में बच्चों का इलाज जारी है, सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। कोरबा से बड़ी खबर है, 20 से अधिक बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, 20 से अधिक स्कूली बच्चों की तबीयत खराब हो गई, करील की सब्जी खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। करतला ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल बीर तराई का ये पूरा मामला, अस्पताल में बच्चों का इलाज जारी है, सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो कोरबा में 20 से अधिक बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं, स्कूली बच्चों की तबीयत खराब हो गई करील की सब्जी खाने से, करतला ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल बीर तराई का मामला और सभी बीमार बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा है और सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। कोरबा से बड़ी खबर, जहां 20 से अधिक बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अब्दुल असलम जुड़े हुए हैं फोन पर। एक अब्दुल, क्या कुछ जानकारी आपके पास?
जी आपको बता दूं कि करतला ब्लॉक के 20 तराई गांव है जहां पर प्राथमिक शाला जहां के बच्चे जो है मध्याह्न भोजन में करील की सब्जी को खाए थे, उसके बाद अचानक इनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसमें दो दर्जन के करीब जो छात्र विद्यार्थी हैं वो उनकी तबीयत बिगड़ी। उसके बाद स्थानीय जो अस्पताल है वहाँ उपचार किया गया और कुछ लोगों को जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया है जहाँ उनका उपचार चल रहा है। ठीक है अब्दुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर है, 15 दिन में दूसरी बार अमित शाह भोपाल आएंगे। अमित शाह की भोपाल दौरे को लेकर हलचल तेज है, कई बड़े नेताओं को अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। न्यूज 18 ने कल ही जिम्मेदारी को लेकर जानकारी दी थी, 15 से ज्यादा समितियों की कल घोषणा होगी। समितियों के प्रमुखों के नाम तय किए गए हैं, कल की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी उन नामों पर। सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना बड़े नेताओं को? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो कल का दौरा है उसमें साफ है कि जो भाजपा के प्रदेश के बड़े नेता हैं उन सभी को कुछ ना कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। इसके दो दिन पहले ये तय हो चुका था कि 15 से ज्यादा समितियां बनाई गई है, उसमें जो मध्यप्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री उनको जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा ऐसे जो पदाधिकारी जो काफी समय से हाशिए पर थे उन सीनियर वरिष्ठ लीडर्स को जिम्मेदारी दी गई। तो ये सब समितियों की कल घोषणा की, और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, जो कैलाश विजयवर्गीय हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, नरेंद्र सिंह तोमर को वैसे पार्टी ने चुनाव का संयोजक बनाया है, लेकिन इसके अलावा जो भाजपा की जो अब विजय संकल्प अभियान रहेगा उससे जुड़ी समितियों में इन टॉप लीडर्स को कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और इनको मालवा निमाड़ हो या बुंदेलखंड हो या ग्वालियर चंबल हो, तो जो अलग अलग रीजन है मध्यप्रदेश के जो चुनाव के लिए, तो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से कई बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए। आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें।